नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये एल ब्लॉक है जहाँ पे आरडब्ल्यूए का चुनाव होने वाला है, वो भी कल। तो इस संदर्भ में हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें उम्मीदवार भी बैठे हुए हैं। मैं सभी से परिचय भी कराऊंगा और मुद्दा यहाँ पर है, अगर कल को जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हैं तो एल ब्लॉक के विकास हेतु वो क्या क्या सब करेंगे, और एल ब्लॉक के जितने यहाँ पे सज्जन मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि एल ब्लॉक के विकास हेतु क्या क्या जरूरत है और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि आने वाले समय में ये जो प्रधान चुन के आएंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रधान बने तो वो एल ब्लॉक का विकास कर पाए। तो इस विषय पर मैं पहले सर से बात करूंगा और पूछूंगा पहले समस्या क्या क्या है, जितने जने हैं पहले समस्या के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारे साथ जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करेंगे कि अगर वो जीत के आते हैं तो वो किस तरीके से ये समस्या का समाधान करेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मंगल सिंह यादव। मंगल सिंह जी, ये बताइए अभी हाल ही में एल ब्लॉक में क्या स्थिति है विकास को लेके और परिस्थितियां क्या है कि किस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए जी, यहाँ तो अभी पानी तो बिल्कुल नहीं है, पानी जरूर चाहिए। तो नंबर दो, दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या विकास की गुंजाइश है यहाँ पे अभी एल ब्लॉक में? मेरा नाम राजबली जी। क्या चाहते हैं अभी जो प्रधान बन के आएंगे, अभी क्या चाहेंगे आप उनसे, क्या कुछ करें? तो सबसे ज्यादा परेशानी पानी की है, ठीक है, बाकी थोड़ा सुरक्षा की है, लवनडे रात को गुंडागर्दी करते हैं वो रोकना है। आप सर अपना परिचय दें और समस्या बताएं। चिंतामणि जी, ये बताइए अभी क्या चाहते हैं, किस तरीके से हो अभी जो प्रधान? इन्होंने दोनों आदमी ने बताया वही प्रॉब्लम है। सर अपना परिचय देंगे। कैलाश पांडे जी, ये बताइए अभी परिस्थिति को देखते हुए क्या उम्मीद करेंगे आप जो प्रधान बन के आए हैं, एल ब्लॉक के विकास है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पानी का है, नंबर दो सुरक्षा का, जो ये कह रहे हैं रात भर लड़के घूमते रहते हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और जो लड़कियां वगैरह जाती हैं बहुत ज्यादा छेड़खानी होती है। कम से कम एक तो सुरक्षा का, पुलिस का कम से कम इतना भी तो हो, पहले जैसे गश्त मारते थे अब कोई नहीं मारता। बस पानी का ही मेन समस्या थी यहाँ, सुरक्षा का विषय भी है मतलब इसमें। आप सर, मेरा नाम है रामकेश यादव। यादव जी बताइए क्या चाह रहे हैं? मैं जो भी पानी की समस्या तो एक मेन समस्या है, ये सबसे बड़ी है, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है यहाँ पे, पानी जो यहाँ पे आता है वो टैंकरों द्वारा आता है, वो भी ब्लैक में मिलता है यहाँ पर, और फ्री में पानी कभी सोनिया बिहार का पानी आना चाहिए यहाँ पे। तो ये मुद्दा है पानी का, वही पानी की समस्या है। पानी की समस्या है आप? सर पानी और सीवर, पानी के साथ में सीवर की समस्या है, और जितनी भी लेडीज है वो बेचारी 24 घंटे ये मानो कि हाथ में बाल्टी रहती है। भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, पानी की समस्या तो खैर सभी बता ही रहे है भी, लेकिन यहाँ नाली तो बन गई, लेकिन इन साफ करने वाले भी ना कोई है, यू भी गंदा। सुरेश चौधरी हैं अभी मौजूदा जो निगम पार्षद है, तो कोई सफाई ना है नाली, क्या कहेंगे सुरेश चौधरी, काम कर रहे हैं? कर रहे कहीं है, लेकिन हमारी तो नाली भरी रहे हैं जब देख, यानी कि काम नहीं हो रहा है कुल मिला के अगर, ठीक है। आप क्या बोलेंगे सर? सर बस जो ये लोग बोल रहे हैं वही अपनी तरफ से, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ जो पानी की बता रहे हैं सारे समस्या, यहाँ पे जो प्रकाश जारवाल यहाँ का MLA है वो पानी बिकवाता है अपने चमचों द्वारा, वो जो है ये मतलब एक टैंकर जो आता है 2000 का भी बेचता है वो, और वो कहना 500 लीटर की एक टंकी भरो तो 50 रुपए की मतलब बिकवाता है, ये सारा पैसा ये प्रकाश जारवाल के उसमें जाता है, और वैसे जो है ये एक पैसे का भी यहाँ का भी विकास नहीं किया उसने, प्रकाश जारवाल ने यहाँ पे एक पैसे का भी विकास नहीं किया। ये मुद्दा निकल के आ रहा है, आप जान सकते हैं सुन सकते हैं ये परिस्थिति जो है कह रहे हैं ये सज्जन। तो यहाँ पे जो बोला गया था वो केजरीवाल ने बोला था कि कोई MLA घमंड नहीं करेगा, मगर सबसे ज्यादा घमंड यहाँ का MLA और भी सारे ऐसे लोग हैं जो इनको घमंड हो गया जो ये जीत गया है, जो 67 सीटें जीती इन्होंने, तो इसी वजह से ये जो है केजरीवाल की सरकार बेकार सरकार है जो पानी बिकवाती है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा। और ये रोड नाली जो रोड वगैरह कहीं से टूटे हुए तो वहाँ की केजरीवाल का नाम भी प्रकाश जायसवाल मरम्मत तक नहीं करा सकता, यहाँ तिकड़ी का देखो हाल ऐसा है जो पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। आम जनता सिर्फ अपने मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं पानी रास्ता और ये सुरक्षा, आम जनता कुछ नहीं जानती, आम जनता जो है वो वोट देना जानते हैं, और वोट देने के बाद वो हमेशा यही कहेंगे कि हमें जो मूलभूत सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में आपसे बात करूंगा जो मोदी सरकार के बारे में, जो यहाँ का जो MP है वो भी बड़ा घमंडी है, वहाँ का है तुगलकाबाद का,
तो वो भी काम नहीं करने देता है। और दूसरी बात ये मोदी सरकार के उसमें जो है घुटन पब्लिक महसूस करती है क्योंकि बहुत ज्यादा, और जो परेशान है हम जो पब्लिक जो है छोटा मोटा रोजगार जो करती थी वो रोजगार भी जो है इन्होंने ठप करा दिया मोदी सरकार ने। और जो ये मोदी ने बोला था बड़े ऐसे हाथ हिला के कहा था कि भाई 15 लाख रुपया हर गरीब आदमी के खाते में आ जाएंगे, तो 15 रुपये तक तो है नहीं, ऐसे झूठ बोल बोल के ये मान लो हथियाया इन्होंने। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं यहीं पे कुल मिला के बात अभी अभी मौजूदा देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत जो प्रकाश जारवाल जी जो है वो मौजूदा MLA हैं और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। और सर ने जैसे बताई बात अभी कि बीजेपी पार्टी के जो सरकार अभी चल रही है इसके अंदर घुटन सी महसूस होती है, कुल मिला के आम जनता जो है सुविधा से परेशान है, सुविधा नहीं है तो उनको नेताओं से कोई मतलब नहीं, उनको मूलभूत सुविधा चाहिए। हाँ नाम बताएं सर, नाम है ठीक है सर, आप बताएं अपना। ओम प्रकाश गिरी गली नंबर 4 निवास संगम। ओम प्रकाश जी आप भी अपना बताइए, परेशानी क्या है, समस्या क्या है? इसके क्षेत्र में जो हमारे प्रधान जी का चुनाव हो रहा है, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जिनको जाते हैं ये तो कम से कम पानी की पाइपलाइन के लिए कोशिश करें पार्टियों से मिलकर, हमारे से बराबर हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, तो वो कोई काम करेगी यहाँ पर? बीजेपी का इसमें कहीं नाम नहीं आता, बीजेपी सेंटर में। तो यही रिक्वेस्ट है इनसे भी, अगर जो कोई जीते प्राण तो वो पानी का और सुरक्षा का। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये अजीत सिंह जी जो है ये प्रधान के उम्मीदवार है, इनसे बात करते हैं। सर आपने लगभग सभी की जो समस्या के बारे में बातें सुन ली है, तो आप अगर चुन के आते हैं कल को तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे एक जो उम्मीद है आपसे कि सबसे बड़ी उम्मीद है आपसे ये पानी को लेके आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ एजेंडा है, मैनिफेस्टो कुछ बनाया है, किस तरीके से काम करेंगे अगर जीत के आते हैं तो? अगर जीत के हम आए ना तो हम विधायक जी से मिल करके पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, और जैसा भी होगा जो इन्होंने समस्या जितनी भी प्रॉब्लम बताई है सुविधा के बारे में भी थाने में जाएंगे, थाने में SHO से मिलेंगे या फिर SHO नहीं माने तो DCP से मिलेंगे, आगे चल के आगे बढ़ते मतलब कोशिश करेंगे कि सुरक्षा हो जाए। हमारा मुद्दा तो ये है हकीकत, एक हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी की बहुत कमी है जिससे कि स्वास्थ्य में जो ना स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो मेरा विचार है कि मैं एक इसके लिए मुद्दा उठाऊंगा आगे चल के जो भी इतनी समस्याएं इन्होंने बताई हैं। देखो पानी की समस्या तो हकीकत है ही है बहुत ज्यादा, तो पानी के लिए तो विधायक से काम चलेगा क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी की है। आगे चल के जो बड़ी बड़ी बात है उनके लिए मैं बीजेपी MP से भी मिलना चाहूंगा, मिलकर कोशिश करेंगे कि हमारे सारे काम ये सिद्ध हो जाए। तो इतनी बड़ी बात है, मैंने मुद्दा तो बहुत उठाए हैं खैर, लेकिन ज्यादातर पानी और डिस्पेंसरी और पुलिस सुरक्षा का जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ ये मेरा अपना अभी, विचार। अभी तो इस विषय पे क्या कहेंगे, पूरे विस्तार क्रम में सबने बता दिए, राय तो बता दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी मौजूदा प्रधान जी हैं, तो मौजूदा प्रधान जी और उम्मीदवार ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, साथ में दोनों बैठे हुए हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आने वाले समय में ये क्या सलाह देंगे और अभी के जो कार्यकाल में जो समस्याएं हैं और यहां से जब हैंडओवर किसी को आप देंगे काम तो किस तरीके से ये जो मेल मिलाव होगा और आने वाले समय में एल ब्लॉक का विकास होगा, सर पूरे विस्तार क्रम में बताएं। जो आने वाले समय में जो हमसे काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और जो पानी के लिए हम असफल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री और प्रकाश जारवाल ने जो बात नहीं मानी उसको हम मनाने की फिर कोशिश करेंगे। हमने कई बार वहां पे एप्लीकेशन दी तो प्रकाश जारवाल ने एक कसम खा रखी है कि मैं आपके लिए पानी नहीं लाऊंगा, वोट नहीं देनी है तो मत देना, हमें जरूरत नहीं है वोटों। ऐसा बयान उन्होंने दिया या नहीं दिया, मतलब सच्ची बात है ये? बिल्कुल सच्ची है, चाहे तो हम रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। और एक ही नहीं, एक मेरा ही कहने नहीं, ब्लॉक में कई आदमी इनसे पता कर सकते हो, हमसे वो कभी भी मीटिंग रखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। अगर एक भी मीटिंग रखने हमने 20 बार उनको टाइम ले लिया लेकिन वो कभी राजी नहीं होते हमसे मिलने के लिए, ऐसा उनसे हमने कई बार अपील कर ली, वो पानी के बारे में नहीं कहा। फिर हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहा गए 20 आदमी इनको लेके, तो उन्होंने ये कहा हमारा MLA जो कुछ कर रहा है बेच रहा था, बेचने दो, आपको क्या पड़ी है, कोई बात नहीं, वोट नहीं देना तुम मत देना, चले जाओ। ये हमें वहां से खबर मिली, 20 आदमी थे, कई RWA गई थी वहां पे, तो जो असफल हुए हैं जिस चीज में उसको आगे मजबूत करेंगे।
जी आप देख सकते हैं ये समस्या जो है वो गंभीर है कि गए तो हैं प्रधान जी मौजूदा, इन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से और बोला गया कि भाई आप अगर वोट नहीं देते हैं तो मत दीजिए। पानी की समस्या को लेके आने वाले समय में देखना बाकी रहेगा किस तरीके से समाधान होता है। बहरहाल जो हमारे सज्जन मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं, बताइए जी। मेरा नाम डॉक्टर एस के कपिल है और मैं मौजूद इस समय RWA में महासचिव पद पे हूँ और हमने कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन दिए, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया हमने बहुत काम किया है और सुरक्षा का हमारे से इसलिए रहा है क्योंकि सुरक्षा में हमने पुलिस से कई बार कहा है तो पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है। और जो पानी का है वो पानी की समस्या तो है ही है हमारे यहाँ पे और वो रहेगी जब तक ये MLA साहब हैं हमारे। MLA साहब ने कसम खा रखी कि इधर पानी नहीं दूंगा, अगर वो यहाँ पानी दे देंगे तो उनका जो उनके जो दलाल बैठे हैं यहाँ पे पानी बेचने वाले उनकी दलाली बंद हो जाएगी और उनका हफ्ता आना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। मैं ये कहना तो ये सबसे बड़ा मुद्दा और जो समस्या है आप ये देख सकते हैं। बहरहाल जो कल इलेक्शन होने वाला है इलेक्शन को लेके अभी इनसे पूछ लेते हैं कि कौन जीतना चाहिए, जो चार उम्मीदवार हैं इनसे वोट ले लेते हैं कि आज की डेट में किसको सपोर्ट है। और जो चार हैं मिस्टर लाला जी, प्रदीप शर्मा जी, अजीत सिंह जी और शशि कपूर जी, ये चार उम्मीदवार है। वोटिंग करते हैं एक बार, रैंडमली पूछ लेते हैं कि किसको चाहते हैं, किसके लिए कौन जीतना चाहिए। मेरा अपना वोट तो अजीत जी को जा रहा है। सर आप प्रधान जी हैं, किसको देंगे वोट? तो हमारा अजीत जी के लिए जिताने के लिए प्रयास है पूरा, क्योंकि ये मैच्योर आदमी हैं और जिम्मेदारी समझते हैं, तो हम चाहते हैं यही प्रधान बने ताकि इनका प्रभाव थोड़ा सरकार में किसी के पास जाए, किसी अफसर के पास जाए तो वो कुछ असर माने। तो आप सर फटाफट से बोल दीजिए किसको वोट दे रहे हैं। भाई हमारे सपोर्ट रहे, हम इनके सपोर्ट रहे, तुम देखो जाएंगे बस, ठीक है। आप किसको? अजीत सिंह को। आप? अजीत सिंह। आप किसको देंगे? अजीत सिंह। आप किसको देंगे? चौधरी अजीत सिंह को। आप? चौधरी अजीत सिंह। अजीत सिंह की है ठीक हो, अजीत जी को ही देंगे। आप किसको देंगे सर? अजीत जी को जी। वोट एंड सपोर्ट टू मिस्टर अजीत। अजीत जी को। अजीत। तो ये आप देख सकते हैं वोटिंग के लिए भी हमने कर लिया, रैंडमली सभी से पूछ लिया है और अभी पता चल रहा है कि अजीत जी को यहाँ पे काफी सपोर्ट है। बहरहाल हम बात करेंगे, और भी उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं रुझान किस तरीके से जो है कल के इलेक्शन के लिए, पता चल जाएगा कल रात तक 8 बजे तक शायद फाइनल रिजल्ट हम आपको बता देंगे चैनल के माध्यम से। जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, जमीनी हकीकत को जानने के लिए, और दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।